आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। हम 2018 का भविष्य बता रहे हैं मई महीने का। देखिए, मई के महीने में सूर्य वृष राशि में संक्रमण करेगा, गुरु वक्री होकर यथावत तुला राशि में भ्रमण करेगा। तो इस राशि वालों के लिए जो महीना है सामान्य रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ज्यादा उठापटक वाली बात नहीं है। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ सामान्य वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका नहीं दें। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए अपने दिन की जो योजना है वो बेहतर तरीके से बनाएं। मई महीने की शुरुआत में मिथुन राशि के जातकों के खर्च में वृद्धि संभव है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप अपने बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं और धन के खर्च बेहद सोच समझदारी के साथ करें। इस दौरान ना तो किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। आपके पारिवारिक एवं निजी संबंधों में एक प्रकार की उदासी छाई रह सकती है और इस अवस्था में आपको उभरने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने आपको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस महीने आपको बुखार और संक्रमण रह सकता है, इसके अलावा आप चोटिल भी हो सकते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी हो सकती है, तो खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। माह का दूसरा चरण स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, इसमें आपके निजी संबंध भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप जो भी सोचेंगे एक पॉजिटिव वे में सोचेंगे। आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं मई के महीने में, लेकिन अपव्यय आपके लिए समस्या पैदा करेगी। व्यवसाय में इस समय समान स्थिति बनी रहेगी। यदि आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो अपने बॉस से जो संबंध है थोड़ा सा अच्छा रखें। दाम्पत्य जीवन में आपसी असहयोग का माहौल रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके प्रेम में प्रगति होगी। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।